देखिए देखिए ये देखिए क्या हो गया, बिना हेलमेट वाला भाई। अरे भाई बस बढ़िया, सही दिख रहा है क्या, सही दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल। सो गाइस ये थे मेरे दोस्त, जो अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया था वीडियो, तो मेरे दोस्त पीछे से आके आवाज़ दिए, मेरे को पता नहीं था मेरे दोस्त आ गए थे। तो अभी चलते हैं, अभी मैं कुछ काम से जा रहा हूँ और ओ भाई गर्ल्स देख रही थी, ओ भाई साहब लोग देख रहे यार, रिएक्शन देखना भाई गाइस, रिएक्शन देखना लोगों की क्या रहती है। बहुत दिनों बाद मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और समझ में नहीं आता मुझे क्या बोलना है, मैंने स्टार्ट कर दिया हूँ बस और बोल रहा हूँ। पहले तो अपन जाके पहले फ्यूल अप कराएंगे गाड़ी में, क्योंकि फ्यूल नहीं है, अपने को जाना है थोड़ा लंबा, इसीलिए पेट्रोल डलाते हैं उसके बाद फिर चलेंगे। माय गॉड पचास पचास हाँ अपने मास्क कहाँ लिए, आप आते हो क्या यहीं? और अरे हमारे घर की तरफ नहीं रहा है, इतना बड़ी बस्ती कहाँ पर है? विजयनगर। विजयनगर की छोटी मोटी बस्ती नहीं तो बड़ी बस्ती है ना, तो कल गई ना मैं लेने के लिए, मिला ही नहीं, तो फिर क्या लाके पैसे ले लो, अगली बार आऊँगा तो ला के दे देंगे। कब आऊँगी? कभी भी आ जाऊँगा, आप तो यही देते हो ना, चाहिए ना तो एकदम ये हो जाता है चेहरे में लग जाता है मेरा, बाहर भी घूम गया, कब ला के दूँगी बिल्कुल बिल्कुल ला के देंगे। तो गाइस यार मेरे दोस्त ने एक मास्क पहना है, पता नहीं किस टाइप का मास्क है, मैंने भी नहीं देखा उसका मास्क, और पेट्रोल पंप वाली दीदी मास्क बोल रही थी मेरे को उतार के दे दो, आप पैसा मैं आपको दे दूंगा बाद में, ये क्या हो गया भाई, पहना हुआ मास्क मांग रहे यार। तू तो छा गया था, तू छा गया छा गया। ये विजयनगर है कहाँ पे, कहाँ पे है विजयनगर, किधर? हाँ 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 ओ भाई वो पहना हुआ मांग रही है, पहना हुआ मांग रही थी, अरे पहना हुआ मास्क मांग रही थी। अरे नहीं वो आपके पास दो ना पता नहीं दो ऐसे कुछ मांग रही थी। अच्छा ऐसा है क्या? अब अगली बार आऊंगे तो मुझे देना, मतलब पैसे ले जाओ बोलते मेरे लिए लाना, मेरे को क्योंकि यहाँ पर रहते हो ना तो जल्दी जाते रहता है, हाँ तो थोड़ा पॉल्यूशन आता है, एयर पॉल्यूशन आता। सही है तू तो छा गया था, लेकिन फिदा थी तेरे ऊपर वो, तेरे ऊपर वो फिदा थी। ओ भाई क्या ही बोले, वो मेन बात था, वो भाई ने हमसे पीछे और डबल मुझे देखी क्यों पता है? हाँ पेट्रोल कितने का डाले 50 रुपये। भाई हम थोड़े थोड़े डालते हैं, हम धीरे धीरे से ज़्यादा करते हैं यार, यहाँ पे सिग्नल है। तो गाइस मैं अभी चलो आगे, मैं कुछ बताता हूँ इस सिग्नल पे कुछ क्या हुआ था एक बार मेरे साथ, निकलते हैं। अरे निकलो भाई, निकलो 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 काका। ये कलम है, हाँ ये जाओ तुम, ये जाना अच्छा
तो गाइस मेरे, अरे क्या हो गया यहाँ पे, रुक गए। ओ देखिए गाइस, देखिए देखिए ये देखिए क्या हो गया, बिना हेलमेट वाला भाई। सही है हेलमेट गाइस, आप कभी भी चलो यार हेलमेट लगा के चलना चाहिए आप हमें यार, क्योंकि क्या पता यार रास्ते में क्या हो सकता है, हो जाता है, टाइम का कोई भरोसा नहीं है कब क्या होता है हो जाए, इसलिए हमेशा सेफ्टी के साथ चलो कभी भी आप गाड़ी वगैरह चलाते हो तो। एक साथ में एक बार मेरे साथ यहीं पे कुछ हुआ था, मतलब मैं जा रहा था, एक स्कूटी था मेरे पास उसको सर्विसिंग देने के लिए, और मैं रास्ता भूल गया था, तो मैं थोड़ा सा हेलमेट नहीं था मेरे पास, और मैं रिटर्न जा रहा था अपोजिट साइड से, तो मेरे ऊपर चालान कट गया था, मतलब गाड़ी के ऊपर 700 रुपये कुछ लिए उन्होंने, तब जाके छोड़े, ऐसे तो 4000 मांग रहे थे। तो फिर भैया को बुलाया, उसके बाद जाके शॉर्ट आउट हुआ वो मैटर। ऐसे है यहाँ पे हाल, और अभी भाई लोग को भी पकड़ लिया जो कि हेलमेट नहीं पहने हुए थे। तो कभी भी आप निकलो राइड पे या फिर कहीं भी जाओ, थोड़ा से के लिए भी गाड़ी अगर निकालते हो, अगर कहीं अगर हाईवे में चलाने जा रहे हो तो हेलमेट ज़रूरी है यार, क्योंकि यार हेलमेट नहीं रहेगा तो यार अच्छा नहीं रहता, मतलब कुछ भी हो सकता है टाइम पे, टाइम का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए राइड करो तो हेलमेट के साथ। इसका जुड़वा भाई सामने ये देखो, ओह माय गॉड बाय डू, सिग्नल लगने वाली है, सिग्नल रहो भाई यार, मेरे को गियर कम करने की बजाय मैं ज़्यादा कर देता हूँ यार, यार मेरे को डिस्कवर की आदत है ना, दिन भर डिस्कवर चलाता हूँ, और कभी अगर ये पकड़ता हूँ तो उल्टा हो जाता है, मतलब गियर कम करने की बजाय ज़्यादा हो जाती है। ये देखो सिग्नल खुली भी नहीं, लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं, चलो अपन भी निकल जाते हैं। रुक रे ब्रो, ये देखो इनके इंडिकेटर देखो गाइस, इंडिकेटर कहाँ के दे रखे हैं और जा कहाँ रहे भाऊ, ये का देख इंडिकेटर देख कहाँ दे रहे। हाँ बोल, हाँ बंद कर दिया, सही है, तू पास में आके बोला कर, इधर इधर थोड़ा सा झुक के बोला कर तो आवाज़ इसमें भी आएगा, ताकि जो बोल रहा है तू तो सामने वाले को सुनाई पड़े। चलो खींचते हैं, तो गाइस एक सवाल थी आप लोगों से, ये 14 तारीख जो गया वैलेंटाइंस डे, तो किन किन लोगों ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यार घुमा बताना कमेंट करके, क्योंकि मैं नहीं घुमा गाइस, क्योंकि अपने पास गर्लफ्रेंड है नहीं, और अपन मनाते हैं ब्लैक डे, बिकॉज आपको पता ही है ब्लैक डे क्यों मनाते हैं, और जो लोग गर्लफ्रेंड के साथ होंगे उनको पता नहीं होगा। तो किन किन लोगों ने गर्लफ्रेंड के साथ कहाँ कहाँ घूमने गए और लेके गए घुमाने के लिए अपने जीएफ को, तो बताना। इसको बोलते हैं सिटी राइड, आराम से चलो, आराम से ब्रो, आराम से। मुझे कटपुट मारना नहीं आता नहीं है, हाँ ट्राई करता हूँ बस, हो जाती तो ठीक है, नहीं होती है तो ट्राई करते हैं और क्या, रोड भी तो गए बीते हैं यार। ओ भाई क्या ही बात है, ओ भाई NS 125, ये देखो भाई, तो
जाओ रेस्ट करने बोलते हैं, रैंडमली बोलते हैं रेस्ट करने। ये RS 200 भाई के पास, ये देख सकते हो इसके पीछे का लुक गाइस क्या ही है मस्त। ये भाई सही है। और भैया निकल गए रे यार, यार RS के चक्कर में NS निकल गया। कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं, सिटी राइड बोलते इसको गाइस, सिटी राइड। तो गाइस ये गाड़ी है आर्मी का, आई थिंक हाओ आर्मी का गाड़ी है। हाओ मैं सुबह भी देखा था, सुबह भी दो ट्रक जा रही थी, सुबह ऑफिस की तरफ मेरे दो ट्रक जा रही थी। KTM छपरी बाइक से फेमस जो है गाइस, KTM छपरी बाइक से फेमस है, आप लोगों को पता ही होगा। छपरी बाइक उसको क्यों बोलते हैं यार, वो दरअसल छपरी बाइक नहीं है, लोग उसे छपरी बाइक बुलाते हैं बस। गाइस वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में बताना, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।